हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। सब कह रहे थे नानी दिखाई देती है आजकल तुम्हारी, हैं? सही में सब कह रहे थे कमेंट में नानी नहीं दिखाई देती। कौन कहता है? कमेंट्स में लोग कह रहे थे आरन कहते नानी नहीं आती। झूठ कह रही है, नानी नहीं आती व्लॉग में। नानी है कि नहीं है? क्यों नानी दिखाई नहीं मैंने जब आई थी तो? अच्छा, अब देख लो, देख लो, ये नानी अपनी धोती पोती के साथ। तो अभी गाइस ब्रेकफास्ट तो नहीं हुआ, अभी हमने जस्ट चाय पी है। और आज मम्मी छुट्टी है ना? आज मम्मी की तो छुट्टी है ना? आज क्या मम्मी की छुट्टी है ना आज? नहीं नहीं जाएगी। तो टाइम कितना हो गया? दस हो गए। चौथा शनिवार है ना आज? अच्छा, तो मम्मी की छुट्टी नहीं है आज, तो मम्मी जाएगी ऑफिस। फिलहाल यहाँ पे लग रही है मशीन, कपड़े धुल रहे हैं। हम जो जयपुर घूम के आए थे वो सारे कपड़े धुल रहे हैं। एंड यशो भी नहाने गई है, हमें एक वीडियो शूट करना है उसके लिए, क्योंकि कल हम लोगों ने व्लॉग शूट नहीं किया था। कल हम लोगों ने सारे दिन रेस्ट किया था, तो कल व्लॉग शूट शुरू किया था बट छोटा सा ही व्लॉग बना था, मुश्किल से 2-3 मिनट का ही शूट किया था, तो फिर हमने इसको कंटिन्यू नहीं रखा। तो मैंने जो कमेंट्स पढ़े थे उसमें से मेरे को उस एक कमेंट ऐसा दिखा था जिसके बारे में मुझे बात करनी थी, तो आप वो वीडियो देख ही चुके होंगे अब तक जो हमने कल पोस्ट किया था। तो इसलिए बस वो वीडियो अभी हमें शूट करना है, फिर मैं उसे पोस्ट कर दूंगी। एंड यशु बस नहा के आ रही है, मम्मी ऊपर गई है कपड़े डालने के लिए, फिर मैं जाऊँगी नहाने के लिए, फिर हम लोग वीडियो शूट करेंगे। और आज का प्लान, आज का भी कहीं जाने का प्लान तो है नहीं, क्योंकि पता ही है गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पे। तो देखते हैं शाम को कहीं जाना होगा तो बस मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के। यशु यहाँ पे कर रही है, नहीं कर रही नहीं है, चाय पी रही है नमकीन के साथ। ये वाली नमकीन है, इसका नमकीन का नाम है कुछ कुछ होता है। नॉट कुछ कुछ होता है, इट्स ओनली कुछ कुछ। कुछ कुछ इस नमकीन का नाम है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो रात में तो शानदार खाना खाया था, अभी तो शानदार सोए हैं हम। और मैंने इनको बोला था कि जब हम रिलैक्स होके लेट सोएंगे ना तो पता लगेगा कि असली पेन क्या है। ज्यादा पेन हो रहा है, पूरी बॉडी में पेन हो रहा है सही में। मेरे सिर्फ लेग्स में पेन हो रहा था सुबह, अब तो नहीं लग रहा मेरे को, लेग्स और बॉडी दोनों में पेन हो रहा है। अभी हम जा रहे हैं बाहर किसी काम से, बता नहीं सकती किस काम से जा रहे हैं, वो सरप्राइज है। हाँ हाँ, नीचे तो लगी हो तो सरप्राइज ही है, ऑब्वियसली चुप रहो, सरप्राइज है गाइस, सरप्राइज है, इसकी बातें मत सुनो। तो नहीं नहीं, वो मैं नहीं दिखाऊंगी। अच्छा, वो नहीं दिखाया, ये तो कोई सरप्राइज नहीं है, कोई खुश होने की जरूरत नहीं है, कोई सरप्राइज नहीं है। मैं आपको बता दूं अलवर का मौसम जो हो रहा है वो बहुत शानदार हो रहा है, और अभी आप देख सकते हो ये जो दिख रहे हैं बादल है, ये दिख रहे हैं ये बादल है। और पहली बार मैं अलवर में आके ऐसे शूट कर रही हूँ कैमरा यूँ पकड़ के, यहाँ पे लोग ऐसे देखते हैं, मतलब यहाँ पे बहुत अजीब सा रिएक्शन आता है निकल के। तो हम इस तरीके से शूट कर रहे हैं, कहीं हो रहा है, कहीं हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा है, कहीं कर रही है, सेल्फी ले रही है। तो गाइस आपसे मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, हम थोड़ा घूम फिर के आते हैं, देन आप लोगों से मिलते हैं। सो गाइज, ब्रेकफास्ट हो चुका है, टाइम हो चुका है 2:15 के आसपास, लंच का टाइम हो चुका है, बट अभी मैं जा रही हूँ मम्मी के साथ, मम्मी लेट जाएगी थोड़ा ऑफिस, मैं जा रही हूँ मम्मी के साथ थोड़ा सा काम से बाहर, एटीएम के पिन विन जनरेट करने, तो चलो फटाफट से चलते हैं। सो गाइज, मम्मी जा रही है ऑफिस, देखो हेलमेट लगा के, यशु देख रही है मम्मी को, कैच जा रही है मम्मी। ये हमारी बुलेट है, इससे तगड़ी बुलेट नहीं देखी होगी आपने, इससे तगड़ी स्कूटी। तो यशु सुबह से एक बार भी ये मुझे रिश्वत दे रही है कि मेरी बुराई मत करना। कितने रुपए रिश्वत दिए तूने? 20, 30, 40 रुपए रिश्वत दे रही है मेरी। 50 है, ये 20 रुपीज है, 30, 40, 50 रुपीज, 50 रुपए। चल ठीक है, नहीं करूंगी, ला देते, बहुत है इतना मेरे को। अब बाहर क्या देखने जा रही है? क्या देखने जा रही है बाहर? बाहर देखने है, मैं तो अच्छा टी शर्ट अच्छी लग रही है, ये इसने जयपुर से लिया है गाइस, बता दो कैसा लग रहा है? क्यूट लग रहा हूँ, बहुत क्यूट लग रहा है, इतने दिन तक दिखा नहीं ना।
नानी सो रही है यहाँ पे, सोने की कोशिश कर रही है नानी यहाँ पे। तो यहाँ पे फिर से आ गया है हमारा लंच में, एक तरफ है दाल चावल, एक तरफ है कड़ी चावल, साथ में है चाय, साथ में है नमकीन, साथ में है यसू, साथ में है प्याज। अरे वो भूख लग गई तुम्हारा से, मोटी खा खा के मोटी होती जाएगी। सो गाइस फाइनली डिनर विनर करके हम लोग आ चुके हैं ऊपर, और बहुत ज्यादा गर्मी का प्रकोप हो गया है, बहुत ही ज्यादा। मतलब एक सेकंड के लिए अगर आप फैन से ऐसे से हटोगे ना तो मैं कह रही हूँ पसीने से नहा जाओगे, इतनी गंदी गर्मी है। मतलब पसीना आ रहा है, बहुत ही बुरी हालत हुई पड़ी है गर्मी से। और 24 घंटे बंदा एसी में भी बैठ सकता है यार, काम तो होता है ऑब्वियसली, काम भी ना हो एसी में से उठना तो पड़ता ही है, तो वो चीजें हैं। तो बहुत ज्यादा दिमाग खराब हुआ पड़ा है एसी में, मतलब गर्मी में एसी में बोल रही हूँ, गर्मी से दिमाग खराब हो गया, गर्मी से कुछ भी बोले जा रही हूँ मैं, कुछ भी हुआ जा रहा है, बहुत दिमाग खड़ा पड़ा है मेरा गर्मी की वजह से। तो बस आज भी ज्यादा शूट नहीं कर पाए यार हम, एक्चुअली हमें समझ नहीं आता यार हम क्या आज मतलब वो करें, क्योंकि घर पे रहते हैं पूरे दिन, घर पे नानी है, मम्मी पूरे दिन ऑफिस रहती है, मम्मी ऑफिस से जस्ट अभी आई है, तो आप लोग समझ ही सकते हो यार थकी रहती है वो, वैसे भी कैमरा के सामने बहुत ही कम आना होता है उनका, और नहीं कर लेते थोड़ा पीछे से शूट, हाँ थोड़ा बहुत हम यू नो चोरी छुपे उनको शूट कर लेते हैं, तो बस उतना ही चल पाता है, ज़्यादा तो कुछ नहीं। बाकी ये है कि अगर मैं अलवर का आपको एक्सपीरियंस शेयर करूँ कि अलवर आके, मतलब मैं स्टार्टिंग में जब मैं आई थी तो मैं बड़ा घबराया सा फील कर रही थी, क्योंकि पहला मतलब पहली बार ऐसा था कि मैं यहाँ पे मतलब मम्मी के साथ रहने आई हूँ, बाकी मम्मी वहाँ पे लोग जाना तो आती है, तो वहाँ के लिए ऐसा नहीं था, वहाँ के लिए क्योंकि मैं मम्मी से पहले मैं आ चुकी थी, तो मैं घर वाले सब कुछ ऐसा हो चुका था कि नहीं बहुत नॉर्मल है, सबसे जान पहचान हर एक चीज़ इतनी ज़्यादा कॉमन हो चुकी थी, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, पापा बहुत फ्रेंक है, चीना डिम्पी सब मतलब घर में नॉर्मली माहौल था। मम्मी के साथ क्या, मम्मी का थोड़ा सा जो नेचर है वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, थोड़ा कम हंसती है। बता दें क्या नहीं, बता देते हैं ना, नहीं, नहीं, नहीं। अभी नहीं बताना नहीं, नहीं। तो गाइस चलो मैं आपको हिंट दे देती हूँ, दो खुशखबरी है, क्लियर थोड़े बता रहा हूँ, इनको भी तो गैस करने दे, इनको भी तो एक्साइटमेंट होनी चाहिए ना, दो खुशखबरी है गाइस, अब आपको गैस करके कमेंट बॉक्स में बताना है कि वो दो खुशखबरी क्या है, और थोड़ा ही टाइम है उसमें, ज्यादा टाइम नहीं है, हो गया बस मैं बोल लूं कुछ बोल ले आगे, शर्मा क्यों रही है इतना, बस हो गया, शर्मा क्यों रही है इतना, इतना क्यों शर्मा रही है, मम्मी नीचे बैठी है, तुमको धोखा होगा, धोखा होगा, अच्छा चल ठीक है बात कर लेते हैं। तो मैं मतलब मैंने बताया ना मम्मी का नेचर थोड़ा सा मतलब कम हंसती हैं, थोड़ा सा मतलब ऐसे था अभी तक, मतलब कुछ दिनों तक जब मैं शुरू में आई थी, बट अब यू नो जयपुर जाने से पहले से चीज़ें बहुत ज़्यादा सही हो गई, लाइक उनका बोलना चालना, हमारा आपस का एक बॉन्ड, अच्छे से बातचीत करते हैं, साथ में बैठ के खाना खाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और जैसा कि एक बार एक क्वेश्चन आया था, एक बार एक कमेंट आया था, मैं उस टाइम पर तो उस कमेंट का जवाब नहीं दे पाई, बड़ा लंबा चौड़ा सा कमेंट था, मुझे नहीं पता, मैंने उसको जज भी नहीं किया कमेंट को कि वो नेगेटिव था पॉजिटिव था, क्योंकि हर कोई बंदा जानना चाहता है कि क्या वजह है, मतलब ऐसा करने की, बताने जा रही हूँ ना, जाना आप सुन लेना वहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ। एक कमेंट आया था कि आप जब भी लुधियाना आती हो वहाँ से वापस जाती हो तो आप हमेशा रोते हुए जाती हो वहाँ से, लेकिन जब भी आप हरिद्वार जाती हो और जब वहाँ से वापस आती हो तो आप अपनी मम्मी से मिलते हुए मतलब हंसते हुए मुस्कुराते जाती हो, आप वहाँ से जब जाती हो तो रोती नहीं हो, तो उसका मतलब आपको मतलब क्या आपने मम्मी से प्यार नहीं है। तो आप लोगों को मैं इस बात का जवाब देना चाहती हूँ आज इस बात के ऊपर, बहुत लोगों ने ये चीज़ नोटिस की है, बहुत लोगों ने मुझे रोते हुए देखा है लुधियाना से वापस जाते हुए। लुधियाना मतलब एक ऐसी जगह है ना, लुधियाना से मुझे प्यार कभी भी नहीं होता अगर वहाँ पे मेरा प्यार ना होता, मेरा प्यार वहाँ पे है तो मुझे उस जगह से प्यार है, मुझे उस परिवार से प्यार है, क्योंकि उस परिवार को मैंने अपने खुद जहाँ मेरा जन्म हुआ है मैंने उनसे अलग कभी नहीं समझा, बल्कि उनसे ज़्यादा ही समझा है, तो मेरे लिए कोई भी यू नो फ़र्क नहीं है मेरी उस फैमिली में जहाँ मैंने जन्म लिया और जहाँ ये मैंने अपनी ज़िंदगी के 1.5 साल बिताए,
तो मेरे लिए कोई भी फर्क नहीं है, बल्कि मेरा प्यार मेरे, अगर मैं कहूँ मेरे ससुराल वालों से बहुत ज़्यादा है तो वो गलत नहीं होगा। तो हमेशा इसीलिए वहाँ से यू नो लड़कियाँ हमेशा मायके से आते हुए रोती हैं, लेकिन मैं अपने ससुराल से जाते हुए रोई हूँ क्योंकि मेरा प्यार वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। मतलब ऐसा लगता है पता नहीं क्या छूट रहा है, वो मुझे नहीं पता वो मेरे दिल में इस तरीके की चीज़ें क्यों हैं, वो मैं भी नहीं गेस कर सकती। मुझे भी इंटरनली फील हुआ, अरे मैं मम्मी से मिलते हुए तो मुझे रोना नहीं आता, पर यहाँ से क्यों? तो वो मेरे दिल का एक कनेक्शन जुड़ा हुआ है जिसको मैं भी नहीं समझ पाई, तो मैं आप लोगों को क्या वो बताऊंगी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे प्यार नहीं है, प्यार मुझे मेरे हरिद्वार वाले घर से भी है, लुधियाना से भी है, और अब मैं इतने दिन यहाँ पे रही हूँ तो इनसे भी बहुत ज़्यादा प्यार है। मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, और अब बताऊँ तो लिटरली जाने का मन भी नहीं कर रहा, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही क्योंकि मम्मी और के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगा, एक रूटीन बन गया है, सुबह उठना, उनको देखना, उनको ऑफिस जाती हैं, हम लोग खाना बनाते हैं, साथ में खाते हैं, रात को फिर यहाँ पे आके सब इकट्ठे सोते हैं, तो वो सारी चीज़ें एक रूटीन बहुत यू नो अटैचमेंट भी हो गई है, और एक बहुत ही क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए मिला मुझे उनके साथ, उनको समझने के लिए। यू नो आप जब तक साथ में नहीं रहते हो, किसी भी शख्स के कोई भी रिश्ता हो, आप बिना जाने पहचाने नहीं समझ पाते क्या सही है क्या गलत है या क्या कौन क्या सोच रहा है, तो वो एक चीज़ है, हमें एक यू नो अंडरस्टैंडिंग मिली है, एक बॉन्ड मिला है, मुझे बहुत अच्छा लगा सीरियसली। और सामने से तो हमारी मतलब मैं इस तरीके की बात नहीं कर सकती उनसे, क्योंकि थोड़ा सा मतलब पता नहीं उनसे थोड़ा सा है मतलब हिचकिचाहट टाइप तो बस इतना ही, बहुत ज़्यादा प्यार मिला है आके, एंड आई विश कि वो हमेशा बना रहे और मेरे और डिकू के प्यार की तरह हमेशा बढ़ता रहे पूरे फैमिली से, हर एक मेंबर से। बस इतना ही, और कुछ चीज़ें उनकी भी हम है ना सुनते हैं और अच्छा लगता है उनकी बातें मान के भी, क्योंकि हमारी खुशियों के लिए बहुत कुछ उन्होंने किया है, बहुत सारे डिसीजंस पेरेंट्स के लिए भी टफ होते हैं लेने। तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ, थैंक यू सो मच, आपने इतना कुछ हमारे लिए अभी तक किया, आप कर रहे हो, और कभी भी बच्चे यार अपने पेरेंट्स का किया हुआ नहीं चुका सकते, चाहे आप जो मर्ज़ी कर लो। और रही बात हमारे रिश्ते की, तुम्हारा रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जिसे मैंने पहले भी बोला है कि गलती किसी की नहीं होती, ना हमारी गलती है कि हम इस रिश्ते में, ना गलती उन पेरेंट्स की है जो एक्सेप्ट नहीं कर पाते, या जो भी है गलती होती है हमारे आसपास का यार माहौल सोसाइटी जो यू नो आपके पेरेंट्स को आपकी फैमिली को पोक करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो वो एक हर एक चीज़ बंदे को देखनी पड़ती है। तो बस इतना ही है, बस मैंने बहुत ध्यान दे दिया दादों को, उतना ही कहना चाहती मैं, बस इतना ही कहना चाहती हूँ क्योंकि मैं बहुत कुछ कह चुकी हूँ। तो आई होप आगे आने वाला टाइम बहुत ज़्यादा खुशियों से भरा हुआ होगा, हमारे हम सब के लिए होगा, और जो हमें प्यार करते हैं उनके लिए भी होगा। तो बस इतना, प्यार देने के लिए बहुत सारा शुक्रिया शुक्रिया। चलो गाइस, तो आपको पता ही आपको क्या करना है, कमेंट में बताना है कि क्या है वो दो खुशखबरी, और देखते हैं कितने लोग इसको गेस करते हैं।